here to come, who have come here to just listen to my presentation. I hope that my presentation will end up giving you some information. मेरा आज प्रेजेंटेशन करने का मेन मकसद है ये दिखाना कि हेल्थ इंश्योरेंस ऑब्वियसली एवरीबडी हैज हेल्थ इंश्योरेंस. अगर हम काउंट ऑफ लें तो मेरे ख्याल से आज यहाँ जो बैठा हुआ है सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, राइट? एवरीबडी इज कवर्ड फ्रॉम वन कंपनी और द अदर. तो वी विल नॉट डिस्कस कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, व्हाई इट शुड बी टेकन, बिकॉज एवरीबडी हैज, एवरीबडी नोज की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों उसको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए. हम डिस्कस करेंगे कि कुछ मिथ्स हैं, कुछ हिंदी में अगर कहें मिथक हैं, कि जो हम सोचते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस से कंसर्न ये मिथ्स हैं, उसको हम लोग क्लैरिफाई करेंगे इन अ शॉर्ट पीरियड. विल देर आर लॉट ऑफ मिथ्स बट ऑब्वियसली विल कंसिडर ओनली स्मॉल वंस सो दैट यू कैन एनालाइज कि जो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है वो एक्चुअली क्या है, राइट? लेट्स स्टार्ट विद द मिथ्स. The first myth itself is, I am young and healthy, I don't need health insurance. मैं अभी जवान हूँ, मेरी उम्र बहुत कम है and मुझे कोई health problem नहीं है तो मुझे कोई health insurance की जरूरत नहीं है. That basically happens in certain families, right? Recently, I visited a family wherein they were insured for a long period. अभी उनके बेटे की शादी हुई, the wife was introduced. So I asked them कि वाइफ को भी आप पॉलिसी में इंक्लूड कर दीजिए, जो नई बहू है आप उनको. तो इज नहीं, अरे तो उम्र बहुत कम है, अभी क्या करना, अभी कोई बीमारी आई नहीं, राइट? सो वेन यू थिंक, एक्चुअली जो ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम जब ये पढ़ते हैं कि आई एम यंग एंड हेल्दी, ऑब्वियसली एवरीबडी इज यंग एंड हेल्दी, राइट? हर इवन 60 साल का आदमी भी कहता है आई एम यंग एंड हेल्दी, राइट? बट एक्चुअली वेन यू थिंक यू शुड लुक लाइक दिस. बट एक्चुअल फैक्ट ये होना चाहिए कि यू शुड हैव अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, डेली एक्सरसाइज कर रहे हो, हेल्दी फूड खा रहे हो, जल्दी सो रहे हो, जल्दी उठ रहे हो. बट एक्चुअल लाइफ स्टाइल में ऐसा नहीं होता. द रियलिटी बिकम्स दिस, दिस इज वॉट यू आर. आर बॉडी इज वॉट वी ईट, हम जो खाते हैं. अगर हम अच्छा खाते हैं, दिन भर अच्छी लाइफ स्टाइल जीते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बॉडी को डेवलप करने में लगता है. देन कंपेयर्ड अगर हम जंक फूड खाते हैं, उल्टा सीधा समय खाते हैं, या लाइफ स्टाइल हमारी बड़ी बिजी है, टेंशन फुल है, तो हमारी वही इम्यून, हमारा वही इम्यून सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी को रिपेयर करने में लग रहा होता है, ना कि बिल्ड करने में, राइट? तो ऑब्वियसली दिस प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम एज वन इटसेल्फ. इट्स नॉट कि आप 45 अबव आएंगे तब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, राइट? तो द बॉटम लाइन इज दैट देयर इज नो एज फॉर हेल्थ इंश्योरेंस. यू शुड गेट योरसेल्फ इंश्योर्ड as soon as possible. Insurance is available right from 90 days to whatever life, whatever years you choose. Matlab now there is no restriction of age limit. Agar 80 saal ka vyakti bhi hai, wo uninsured hai, wo apne aap ko insurance karana chahta hai, medical insurance le sakta hai. The only thing is that he should be healthy, which is almost very rare. So the myth saying that I am young and healthy, I don't need health insurance, is totally wrong. The fact is that you should get insured as soon as possible if you have not been insured. The second myth is the cheapest policy is the best policy. Obviously, market mein bahut sari companies hain jo aaj policies bech rahi hain. Sabke pricing alag hai, sabke features alag hai. To obviously, jab hum chahte hain ki hum usme premium jo hai sabse kam de, aur jab hum ek cheapest policy le lete hain, hame lagta hai ki yes, I have achieved the successful act कि हमने market में सबसे सस्ती policy ले ली, तो वो policy हमको ये ऐसे दिखाई पड़ती है with full features, लगता है कि yes that will fulfill each and everything for me and सारी facilities हैं उसमें, सब कुछ है, right? This is what we think because policy लेना और उसको use करना is altogether different thing. लेकिन जब आप उस पॉलिसी पे एक्चुअल क्लेम लेवल पे आते हो, कोई क्लेम करना पड़ता है, तो पता चलता है वो तो ऐसे है विदाउट एनी फीचर्स. अरे उसमें ये नहीं था, अरे उसमें नहीं था, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमको ये नहीं बताया गया, वो नहीं बताया गया. सो द कॉन्सेप्ट इज दैट अगर आप एक एक्सपर्ट एडवाइजर से कंसल्ट करोगे तो ही विल ट्राई टू मेक यू रियलाइज कि जो आपने पॉलिसी का प्रीमियम दिया है उसके कंपैरिजन में आपको क्या कवरेज मिल रहा है. सो द बॉटम लाइन इज कि द चीपेस्ट पॉलिसी इज द बेस्ट पॉलिसी इज रॉन्ग, इज अ मिथ. द फैक्ट इज
that the more the policy is costlier, when you are adding premium to it, you are adding certain features. Kuch achhe features aate, jaise cheapest car, the difference between the cheapest car and the costly car is obviously the comfort level. So, aise hi agar policy cost wise badh rahi hai, to obviously usme aapki need ke hisab se kuch comforts honge, jiski wajah se wo policy aisi hai. Right? So, obviously the fact is that cheapest policy is not the best policy. Obviously, you have to consult an expert like me ki wo aapko analyze kara sake ki aap jo premium pay kar rahe ho uske comparison mein aapko kya coverage mil raha hai us policy mein. Maybe wo aapki policy jo current policy hai usme wo coverage nahi hai, lekin market mein jo available hai with a higher premium wo coverage hai aur wo aapko chahiye. Then the third is, I have a group insurance cover, so I don't need a separate policy. This is a common thought jo har koi sochta hai. मैं एक एसोसिएशन से जुड़ा हूँ, मैं क्या कहते हैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, या मेरा जो ग्रुप है उसका अपना इंश्योरेंस है, मुझे क्यों जरूरत है. राइट? सो व्हेन यू थिंक ऑफ योरसेल्फ लाइक दिस, यू आर ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो रेलवे, सीट आराम से मिल गई, एसी चल रहा है आराम से, आई विल रीच माई डेस्टिनेशन वेन एवर बिकॉज आई एम इन द कम्फर्ट जोन, आई एम कवर्ड विद द कंपनी. राइट? बट द फैक्ट इज दिस, when you are in a group insurance, number one thing कि उसका sum insured minimum होता है 2 लाख से maximum 5 लाख रुपए तक का, जो कि आज के time पे बहुत कम है. number two thing, आप उस group insurance में covered तब तक हो जब तक आप group में हो. the day आप उस group insurance से बाहर आओगे, उस company से बाहर आओगे, उस association से बाहर आओगे, आपको फिर से एक नए सिरे से मेडिक्लेम पॉलिसी लेनी पड़ेगी, which is subject to delivery, मतलब subject to option कि कंपनी आपको उस कंडीशन में पॉलिसी देगी कि नहीं देगी. से फॉर एग्जांपल, अ पर्सन स्पेंड राइट फ्रॉम 21 इयर्स टू 60 इयर्स इन अ कंपनी एंड ही वाज इंश्योर्ड बाय द कंपनी, एट द एज ऑफ 61 ही वाज आउट ऑफ द कंपनी, नाउ ही हैव टू फाइंड अ पॉलिसी. लेकिन उस समय उसको डायबिटिक भी हो गई, हाइपरटेंशन भी है, उसको हार्ट की सर्जरी भी हो गई, एंड उस समय वो पॉलिसी लेना भी चाहेगा चाहे जो भी प्रीमियम देना चाहे, नो कंपनी विल ऑफर. सो I have a group insurance cover, so I don't need a separate policy is a myth. The fact is that even if you have a group insurance policy, you should have always a individual apni policy hamesha honi chahiye. Why? Because this will stand as per your requirement. It will not stand as per your employer's requirement. Then benefits from health plans start flowing from day one. This is very interesting. बिकॉज मोस्ट ऑफ द एजेंट्स जो आपको विजिट करता है वो कहता है नहीं सर आप हमसे पॉलिसी ले लीजिए, आपको एक कार्ड मिलेगा, यू गो टू द हॉस्पिटल शो दैट कार्ड एंड यू डोंट हैव टू नीड एनीथिंग, यू डोंट नीड टू स्पेंड एनीथिंग, आपका इलाज होगा, आप अपना आराम से आइए. राइट? सो जब हम ये सोचते हैं कि बेनिफिट्स जो है वो हेल्थ, आज मैंने हेल्थ पॉलिसी ली मुझे आज ही से सब चीज फैसिलिटीज मिल जाएगी, वी थिंक ऑफ दिस इट्स जस्ट लाइक अ वाइन बॉटल, यू गो टू द शॉप परचेज इट पोर इट इन द ग्लास एंड ड्रिंक, बट दैट्स नॉट द फैक्ट. The fact is this, actual में वो wine को wine level, wine के taste में आने में तकरीबन minimum 9 months लगते हैं normally. If a good wine has to be processed, it takes 9 months. Right? Many of you people can relate. But actually यही same चीज policy पे भी है. आज आप कोई नई policy लेते हो तो it is not necessary कि आप उसको कल से use कर सकते हो. There are certain waiting periods. जैसे first 30 days कोई बीमारी नहीं cover होगी. First 2 years there are certain surgeries which are not covered at all. First 3 years pre-existing disease will not be covered. So you have to get it matured. The earlier you take, the sooner you will mature. आपने पॉलिसी 3 साल पहले ली, 3 साल बाद उसका फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हो. So saying that benefits from health plan start flowing from day one is totally wrong. You have a waiting period. You have to undergo that waiting period so that you can get the maximum benefit of that policy. Then one more, that's the last one. Even if I don't disclose all pre-existing ailments are covered after 48 hours, this is a very popular myth with everyone. हर कोई बंदा ये सोचता है, मैंने जब पॉलिसी कराई उनसे पूछा गया कि आपको डायबिटीज है नहीं, हाइपरटेंशन है नहीं, कोई बीमारी है नहीं, कोई सर्जरी हुई नहीं. Why? Even if he is diabetic, even if he is hypertension, वो कह रहे हैं नो, अरे किसको पता चलेगा, मैं बताऊंगा तभी तो पता चलेगा, मैं बताऊंगा ही. एंड फॉर्म में सब नो नो करके पॉलिसी इशू कर दी.
एंड क्योंकि पॉलिसी में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज 48 months, nowadays companies are coming with 2 years also. दो साल का एक्सक्लूजन पहले 4 साल का होता था, अब 2 साल भी कई कंपनीज है 2 साल का एक्सक्लूजन कर रही हैं, तो 2 साल बाद तो सब चीज कवर्ड होगी, हम बताएंगे, हम बता देंगे 2 साल बाद बता देंगे, राइट. तो द सिचुएशन कम्स तीसरे साल चौथे साल जब उसका हॉस्पिटलाइजेशन होता है और उसे पूछा जाता है कि आपको डायबिटीज कब से है, तो वो कहता है मुझे तो 15 साल से है, लेकिन मैं तो ऑब्वियसली तीसरे साल में हूँ तो आई एम कवर्ड. दिस इज अ मिथ. एक्चुअली मिथ इज लाइक दिस. इंश्योरेंस कंपनी जब आपको पॉलिसी देती है तो वो आप इस तरह के एप्पल को रिप्रेजेंट करते हो, फॉर देम यू आर अ फ्रेश एप्पल विदाउट एनी फ्लॉ, राइट. बट आप जब पॉलिसी, बिकॉज वो जानते हैं कि आपने जो दिखाया है वही है, जो आपने फॉर्म में भरा है वो यही आप हैं, बट एक्चुअल फैक्ट इज व्हेन द क्लेम अकर्स द इंश्योरेंस कंपनी डिटेक्ट्स दिस. अरे ये तो दाग लगा हुआ था, ये आपने बताया नहीं. अरे इसमें बताने की बात है, आप खुद देख लेते हैं. यू कैन नॉट से दिस टू अ एप्पल मर्चेंट. आप जब एप्पल खरीदने जाते हो, आप अगर घर जाके देखो कि वो एप्पल में दाग है, वो वापस करने जाओ, तो एप्पल जैसे आप ये अगर कहो और वो कहे कि ये तो आपको देखना चाहिए था, वो नहीं कहेगा. वो कहेगा भैया ठीक है दे दीजिए, हम वापस कर लेंगे. सो द सेम कंडीशन इज दैट it is, even if I don't disclose all pre-existing elements are covered after 48 months, is a total myth. The fact is that aap jab aap proposal form bharte ho, us samay aapne apne history, medical history ka jo jo cheez bataya hai aur us cheez ko insurance company ne accept kiya hai, wahi cheeze covered hongi. Uske alawa will not be covering anything pre-existing. Say suppose you are diabetic, you didn't disclose. एंड पॉलिसी के 10वें साल भी आप क्लेम लोगे और डायबिटीज की हिस्ट्री 20 साल उस समय निकलती है, तो दे विल नॉट पे यू द क्लेम बिकॉज यू डिडंट डिक्लेयर. ऑपोजिट टू इट कि अगर आपने प्रपोजल लेते समय हाइपरटेंशन और डायबिटीज या जो भी था हमने डिक्लेयर करा कि हमें ये सर्जरी हुई थी, हमें ये बीमारी है, और इंश्योरेंस कंपनी ने उसको एक्सेप्ट किया विद एन एक्सक्लूजन फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, तो वो एक्सक्लूजन पीरियड के बाद वो सारी डिजीज से रिलेटेड सारी चीज जो आपने लिख के दी थी वो सब कवर्ड है, राइट. So obviously you should, the suggestion is that you should always disclose everything to the insurance company so that claim ke samay dikkat na ho. Now the question arises, although is tarah ke myths bahut sare hain, matlab agents jo hain un bahut galat tarike se, because wo selling purpose ke liye karte hain ki hum to bas sell karke nikal jaye, hamara commission humko aa jaye, god knows hum jab claim lene ka mauka aayega hum rahenge ki nahi rahenge, I am not concerned about it. But why I always suggested that you should always consult an expert like me, wherein he will analyze the need and will tell you, suggest you the right product. But the question arises that what is the difference between V.V. Krishnan, me, myself, and as an expert was versus your family agent? Because everybody has a family agent. Har ek ka policy hai, har ek ki ek agent hai jo saalon se uska kaam karta aa raha hai. So, why to switch from that agent to me? Right, the reason, there should be an ample reason. Just because I am smart? No, this is not the reason. See, the number one reason is that you choose what you want. The statement you choose what you want means ki aap jab koi product lene jaate ho, to aap choose karte ho aapko kya chahiye, na ki dukandar. Right, but when you consult an agent, normal your agent, it is just like visiting Patanjali store. Toothpaste चाहिए Patanjali का, साबुन चाहिए Patanjali का, क्या कहते हैं आपको आटा चाहिए Patanjali का मिलेगा, because he is a representative of a particular company, right? But when you visit me, it's like Big Bazaar. You choose your product because I have the variety, every variety available in the market. I'm dealing with all the companies available in the market. I will tell you कि सर इसमें ये खास बात है, इसमें ये खास बात है, आपको ये जरूरत है या ये नहीं जरूरत है. Then you choose कि हाँ ठीक है भाई, I like this. So that's the difference between me and your family agent. Number two is you are consulting an expert. Now what is the difference between an expert and an agent? It's just like आप जब बीमार होते हो तो आप nearest medical store चले जाओगे और कहोगे भाई साहब बुखार है यार, 2 दिन से बुखार हो रहा है, 2 दिन से पेट खराब है, कोई दवा दे दो. वो 2 डोज दे देगा, आप घर लेके चले आओगे, राइट. बट व्हेन यू कंसल्ट मी यू आर कंसल्टिंग अ डॉक्टर.
specialist. Why? Because I try to analyze what your family need is, आपकी family history क्या है, आपको क्या requirement है, आपका level of requirement क्या है, और उसके हिसाब से हम आपको suggestions देते हैं, so that आप उसमें से select कर सको. Last but not the least, obviously I am a proud BNI member, right? So the your family agent will, your family agent's card or the visiting card does not have what I have, the BNI logo. That BNI logo itself is an example of the confidence you can have with an expert in consulting the right thing. You know that agar hum BNI member ko consult kar rahe hain, so obviously he will give you the best option. Right. Thank you. If there is any question, you can ask. Matlab aapke man mein agar koi doubt hai, because we still have time. I was thinking that just Jaspreet would all be there, so we have to wind up. But it was wonderfully explained. Right. Anybody?